तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि यहाँ पर तुम देखोगे कि एक ब्लॉक है जो फोर्स एक्टिंग यानी ब्लॉक जो है वो दिया हुआ है। कितने से एक ब्लॉक है जो रेस्ट से चलता है। रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी इस लाइन पे। तो अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फोर्स एक्ट फॉर ए बॉडी मास, इसका मास दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ है यहाँ पे 20 kg। तो अगर ये 20 kg का मास है, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट से स्टार्ट होता है, और ये जो फोर्स है वो कितना है, वो 20 N फोर्स एक्टिंग। अब ये फोर्स हमें पता ही नहीं यार, यही तो हमें निकालना है, समझ रहे हो। तो ये कहते हैं कि 20 सेकेंड तक लगता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम है फोर्स ये लगना स्टार्ट हुआ यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है वो 20 सेकेंड बीत चुका है, उस यहाँ पर फोर्स हटा लिया गया, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू 0 कर दी गई। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तो फोर्स लगा है, लेकिन बी पे आके अचानक से फोर्स खत्म हो गया। तो जब फोर्स खत्म हो गया तो कुछ बताया नहीं गया, सरफेस स्मूथ है, तो यहाँ से आगे जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। और ये जो यूनिफॉर्म मोशन है जिसका एक्सलेशन 0 होगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी ये बॉडी, तो स्पीड तो कांस्टेंट होगा ये, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी होगा, वही वेलोसिटी यहाँ पर भी होगा। और ये डिस्टेंस बताया जा रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी चली है, 50 मीटर चली है, ठीक है। और इसको बी से सी तक आने में जो टाइम लगा है वो 10 सेकेंड हो गया है, 10 सेकेंड में 50 मीटर चली है, यहाँ रुकी नहीं है भाई फोर्स हटाने के बाद। फोर्स हटाने के बाद यूनिफॉर्म मोशन है, तो फोर्स की वैल्यू, तो देखो अगर मैं लॉजिक अगर मैं निकालूँ तो फोर्स की वैल्यू कैसे निकालोगे। फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन, मास पहले से 20 है, एक्सलेशन निकाल लोगे तो यहाँ पे रख दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब हमारा टारगेट है एक्सलेशन निकालना। तो मेरे भाई एक्सलेशन कैसे निकाला जाए प्यारे बच्चों, देखो एक्सलेशन निकालने के लिए तुम एक काम करते, यहाँ से यहाँ तक बी से सी, बी टू सी जो है मैं लगा देता हूँ, बी से सी मैं लगा देता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ, यहाँ पर तुम देखोगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 50 मीटर, स्पीड कांस्टेंट है जो हमें पता नहीं है, और टाइम हो गया है 10 सेकेंड, तो जो कांस्टेंट स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, यहाँ पर होगी, यहाँ पर स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एग्जिस्ट करेगी, और यहाँ पर 0 थी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक एक्सलेशन एग्जिस्ट है, तो उस एक्सलेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी तक बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो प्यारे बच्चों। तो बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब 5 इनिशियल स्पीड 0 और एक्सलेशन हमें पता नहीं है, और टाइम 20 सेकेंड तक फोर्स लगा है, तो एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी 5/20, 5/20 मतलब 1/4 m/s² यहाँ से। अब हमारा फाइनल सोल्यूशन ये है, फाइनली हमें फोर्स चाहिए था, तो फोर्स की वैल्यू होती है एम ए, तो मास यहाँ 20 है और एक्सलेशन की वैल्यू 1/4 है, तो 5 आ गया, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, और अगर आपको बहुत मज़ा आया तो मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल को लाइक करो और मेरे साथ बने रहो, क्योंकि यार देखो यार हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज वी आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क, ठीक है। मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ बच्चों आपके लिए, तो हमें कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन सही है।